Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि कुछ दिनों पहले डगन बॉस के गुंडे ट्रेवर को पकड़ कर ले गए थे कायोपेरिको आइलैंड, ताकि हम लोग उसके चमचे अंडरवाटर माफिया को छोड़ दे. लेकिन हम लोगों ने ट्रेवर को बचाने के लिए लेसो के साथ मिलकर एक बहुत तगड़ा मास्टरमाइंड प्लान बनाया, और अकॉर्डिंग टू प्लान हम लोग अपना बेस बदल के चले गए सीधा कायोपेरिको आइलैंड, ताकि वहां पर हमें कोई भी पहचाने ना और हम लोग ट्रेवर को तो बचा ही ले, साथ के साथ एलयूबी को भी मार के उसका खेल खत्म करे. और गाइस, यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि जब मैं कायोपेरिको आइलैंड पहुंचा, वहां के सभी बॉडीगार्ड्स को मार के मैं एल रूबियो तक पहुंचा, और एल रूबियो से जब मेरी बात हुई तो उसने हमें बताया कि ट्रेवर तो ऑलरेडी कब का यहां से भाग चुका है, और एल रूबियो इन सब चीज़ों में शामिल नहीं है. उसको कोई भी शौक नहीं है यार इस तरीके से फालतू की लड़ाई वगैरह करने का. फिलहाल यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, बट जब उसने बताया कि ट्रेवर यहाँ से जा चुका है, कब का वो भाग गया था, और हम लोग उसको ढूंढने के लिए जब वापस लॉस सैंटोस पहुंचे तो पता चला कि ट्रेवर जिस प्लेन को लेकर कायोपेरिको आइलैंड से भागा था, वो प्लेन लॉस सैंटोस में आके क्रैश हो गया है, और ट्रेवर उसी प्लेन एक्सीडेंट में मारा जा चुका है. अब यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब ट्रेवर मारा जा चुका है तो उस प्लेन में ट्रेवर की बॉडी नहीं मिली. मतलब समझ नहीं आया आखिरकार हुआ क्या, वहाँ पर ट्रेवर की गाड़ी भी थी, ट्रेवर का प्लेन भी था जो क्रैश हुआ है, बट ट्रेवर का कुछ भी अता पता नहीं था. वहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लड वगैरह पड़ा हुआ था, बट ट्रेवर नहीं था. पता नहीं क्या सीन है, लेस्टर भी 2-3 दिन से उसे ढूंढने में लगा हुआ है, बट अभी ट्रेवर का कुछ अता पता नहीं है. फिलहाल अभी मैं अपनी बाइक लेकर जा रहा हूँ अपने फरारी वाले शोरूम के लिए, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है जो कि मैं वहीं पे चल के आपको बताने वाला हूँ. ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी हार्ली डेविडसन लेके फरारी वाली डीलरशिप पे पहुँचने वाला हूँ, और जिस बात को लेकर आज मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना, अब फटाफट से वो मैं आपको बताता हूँ. देखो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि अपनी ना फरारी वालों से एक बहुत तगड़ी डील हुई है. वो लोग हमें ना अपनी टॉप कार्स फ्री में भिजवाने वाले हैं, और उन्होंने हमें बोला है कि इस डीलरशिप के थ्रू तुम जो भी कार्स बेचोगे उस कार का 30% प्रॉफिट वो लोग हमें देने वाले हैं. तो ये जो डील है हमने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इसमें अपना यार देखो कोई भी लॉस नहीं है, वो सारी की सारी कार्स हमें बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं. तो अभी जल्दी से चलना है और वो सारी की सारी गाड़ी हमें उठा के लानी है. फिलहाल अपनी बाइक को मैंने यहीं पर ना सही नहीं यार यहाँ पर नहीं पार्क कर दे, क्योंकि इस जगह पर ना बहुत सारे कस्टमर्स आते रहते हैं अपनी गाड़ियाँ ले लेके. मुझे भी चल के ना लमार से बात करनी होगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इस शोरूम में जितनी भी कार्स हैं ना वो सारी तुम्हें हटानी पड़ेगी. इस पूरे की पूरी डीलरशिप में सिर्फ और सिर्फ फरारी की कार्स ही आएंगी, और वही कार्स रिपेयर होंगी, उन्हीं कार की सर्विस वगैरह जो भी रहता है. फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ अपने शोरूम के अंदर लमार, शायद कुछ कस्टमर्स आ रखे हैं यहाँ पर गाड़ी खरीदने के लिए. आप लोग को याद होगा कि कुछ दिनों पहले हम लोग ये सारी की सारी कार्स अपने एक बहुत अमीर फ्रेंड से लेकर आए थे. इनमें से कई सारी कार्स बिक चुकी हैं, बाकी सारी कार गैराज में खड़ी हुई हैं, और कुछ कार्स हम लोगों ने अपने शोरूम में खड़ी कर रखी है. वैसे यार ये जो ग्रीन वाली कार है ना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रही है. आपको इन चारों में से कौन सी कार सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रही है मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना, और मुझे मालूम है सब लोग इस रेड वाली कार की तारीफ करने वाले हो, क्योंकि ये बिल्कुल बुगाटी जैसी दिखती है. बाकी हाँ, इस शोरूम को अकेले लमार हैंडल कर रहा है, और हमें लमार को भी सैलरी देनी पड़ती है. यहाँ पर काफ़ी सारे इसने बंदे रख लिए हैं जो कि हर एक कस्टमर अटेंड करते हैं. भाई भीड़ बहुत ज़्यादा लगी है शोरूम पर. वैसे जो बाकी बची कुछ कार है ना, वो शायद से पीछे गैराज में होनी चाहिए. गैराज में है तो यहाँ पर, लेकिन ये गाड़ी खोल के रुकी तो सारी की सारी नई कार थी ना, इसमें क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी. ओ तेरी बैनी भी यहीं पर आया हुआ है क्या? वेट भाई, बैनी भी यहाँ पर फुल गाड़ियों की मॉडिफिकेशन में लग गया है. किसी गाड़ी का इंजन निकाला हुआ है, पता नहीं ठीक कर रहा है या इसे और भी कई ज़्यादा अपग्रेड कर रहा है. खैर वो सब छोड़ो, ये जो अपनी लैम्बोर्गिनी सियान है, ये अपनी वाली नहीं है, ये एक दूसरी लैम्बोर्गिनी सियान है. फिलहाल पीछे की तरफ में और भी नई नई कार्स यहाँ पर आ गई है. और गाइस वेट, अभी ना मैं आप लोगों को एक मस्त चीज तो दिखाना ही भूल गया. अपने शोरूम के बैक साइड में ना एक बहुत बड़ा गार्डन है, जहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज है जो शोरूम में काम करते हैं, या फिर जो नया कस्टमर आता है, वो अपना यहाँ पर बैठ के आराम से चिल कर सकता है. अपना लंच वगैरह कर रहे हैं लोग यहाँ पर बैठ के, शायद से अभी तो लंच टाइम भी नहीं है. खैर वो सब छोड़ो, अभी ना मुझे चल के लमार को बोल देना चाहिए कि यहाँ पर ये जितनी भी कार्स है ना, इन सभी कार्स को एक ट्रेलर पे लोड करवा दे जल्दी से जल्दी, ताकि हम लोग इन कार को अपने पुराने वाले शोरूम में ले जाएं, क्योंकि यहाँ पर अब फरारी की टॉप कार्स आने वाली है.
और वो बहुत तगड़ी लगेगी अपने शोरूम में। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल लमार से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि बस इन कस्टमर्स को अटेंड कर दे, इनको गाड़ी दिखा दे, उसके बाद ये फोन करके बोल देगा अपने बंदों को ताकि वो जल्दी से जल्दी आकर ये सारी की सारी गाड़ियां ना सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर हर एक ट्रक पे लोड करवा दे। फिलहाल अभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ सीधा फरारी वालों ने जो हमारे लिए कार भिजवाई है उसको पिक करने के लिए। और वो जो कार्स हैं उन्होंने कोई ऐसे फैक्ट्री वगैरह से नहीं भिजवा रहे, किसी दूसरी कंट्री से आई है शिप के थ्रू, तो हमें टर्मिनल पे जाना पड़ेगा उन कार्स को लेने के लिए। टर्मिनल यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है बट सीधा रास्ता नहीं है कोई जाने का, अगर हमें बाइक से जाना है तो बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ेगा, अदरवाइज जल्दी जाना है तो हमें बोट पकड़नी पड़ेगी जो कि बहुत बेकार है। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगाता हुआ सीधा लेकर पहुंचने वाला हूँ जेट सैम टर्मिनल पे, जहाँ से मुझे सभी फरारी कार्स को पिकअप करना है और उन्हें लेकर जाना है अपने नए वाले शोरूम में। बाकी उन लोगों ने मुझे बोला था कि ऑक्टोपस करके कोई शिप है जिसमें हमारी सारी की सारी कार्स आई है, बट मुझे पता नहीं है कि आखिरकार वो शिप किधर है। वैसे एक शिप ना सामने डूबा हुआ है लेकिन उस शिप का नाम SS बल्कर है, ये अपने वाली शिप नहीं है, मुझे शायद इन लोगों से पूछना चाहिए। खैर छोड़ो यार, मैं ढूंढ ही लूँगा, अपने पास बाइक है सुपर फास्ट, पूरे के पूरे टर्मिनल पे 2 मिनट में घूम लेंगे। हाँ तो मुझे अपनी बाइक को अभी यहाँ से बाहर निकालना होगा, दूसरे वाले रोड पे चलते हैं, यहाँ पर ना 2-3 रोड है और टर्मिनल बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ढूंढने में थोड़ा बहुत टाइम जा सकता है। वैसे फिलहाल अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और इधर तो यार गेट बंद हो रखा है। वेट, हेलो, शायद से यही होगा वो टर्मिनल का रास्ता, यहाँ पर कोई है क्या? एक सेकंड, सामने कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, मुझे शायद ना पहले इससे बात करके ये वाला गेट खुलवाना होगा। हेलो ब्रो, देख ही नहीं रहा वो मेरी तरफ। हेलो भाई, गेट खोल, अबे वो देख ही नहीं रहा मेरी तरफ। हेलो, एक सेकंड, एक और लात देनी पड़ेगी गेट पे, सुन ही नहीं रहा। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और मैंने इसको बोल दिया कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, अंदर कार्स की डिलीवरी आई है जो कि मुझे लेकर आनी है, और उसने हमें बोल दिया कि हम फटाफट से बस गेट खोलें, आप अंदर आ सकते हो। लेट्स गो, फटाफट से भी अपनी बाइक उठाते हैं और जल्दी से चलकर देखते हैं कि आखिरकार वो जो ऑक्टोपस वाले शिप है वो कहाँ पर आके खड़ी हुई है। और गाइस ये देखो, यही है वो शिप जिसे हम दूर से देख रहे थे जो पानी के अंदर, शायद से इसमें कुछ ज़्यादा ही सामान भर के भेज दिया होगा और जब अनलोडिंग कर रहे होंगे तो लेफ्ट साइड का सामान सारा उतार दिया होगा बट राइट साइड लोड पड़ा और शिप जो है पूरी नहीं डूबी बट राइट साइड में ऑलमोस्ट पूरी की पूरी गिर चुकी है। मुझे यार वो वाली जो शिप है ना यहाँ पर भी कहीं नज़र नहीं आ रही, शायद थोड़ा और आगे चलना होगा। तो अभी ना मुझे वो शिप नज़र आ गई है जिसमें अपनी सभी फरारी की कार्स दूसरी कंट्री से लोड कर आई है, और वो शिप, वो देखो गाइस सामने खड़ी हुई है, उसके ऊपर लिखा हुआ है ऑक्टोपस। तो यही शिप है जो मैं इतनी देर से यहाँ पर चारों तरफ घूम के ढूंढे ही जा रहा हूँ। बट वेट, मैं यहाँ पर पहुँच तो गया हूँ लेकिन इस जगह पर भी मुझे कहीं पर भी कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही खड़ी हुई। वैसे एक बार आप लोग बैक साइड में यहाँ से लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट का व्यू देखो, कितना ज़्यादा तगड़ा लग रहा है। 2-2 प्लेन खड़े हुए हैं और एक बहुत बड़ा कार्गो प्लेन भी सामने खड़ा हुआ है। वैसे ये जो ऑक्टोपस वाली शिप है ना, ये लिबर्टी सिटी से आई है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है लिबर्टी सिटी, यानी कि अपनी सभी फरारी कार्स अपने पास लिबर्टी सिटी से आने वाली है। बट वेट, मुझे ना अभी तक समझ नहीं आ रहा कि अपनी फरारी कार्स कहाँ पर है, लेकिन एक बार आप लोग यहाँ बैक साइड में देखो, ओह वेट, तो इन लोगों ने सारी की सारी गाड़ियाँ जो है अनलोड करवा के यहाँ खड़ी कर रखी है। शायद मुझे पहले ना चल के इससे बात करनी होगी, फिर अपनी सारी गाड़ियाँ मुझे अपने शोरूम में लेकर जानी है। हेलो सर। ऑल राइट, तो अभी ना गाइस मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और गाइस ये ना सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कि फरारी वालों ने अपनी कार्स की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर भिजवाए हैं। और ये लोग ना सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी तक की सिक्योरिटी नहीं बल्कि हमारे साथ हमारे शोरूम पे चलने वाले हैं और पूरे टाइम दिन रात जाग के उस शोरूम की भी सिक्योरिटी फुलफिल करने वाले हैं। बाकी यार एक बार ये आप लोग ध्यान से देखो कि ये जो जितनी भी कार्स है ये इन लोगों ने कितने महंगे महंगे ट्रक्स में यहाँ पर भिजवाई है। वैसे एक ही ट्रक है जिसमें कार्स आई है, जो आप बड़ा वाला ट्रक देख पा रहे हो ना, इसी के अंदर शायद 5 से 6 कार्स इन्होंने लोड करवा रखी होगी, कितना ज़्यादा बड़ा ट्रक है, और एक कार इस पीछे वाले ट्रक पे है। बाकी जो 2 ट्रक आप देख पा रहे हो ना, इस ट्रक के अंदर इन लोगों ने कार्स का फ्यूल भिजवाया है, पेट्रोल गैस वगैरह जो भी है, ताकि हमें अगर फ्यूल भी गाड़ी में डालना है तो गाड़ी शोरूम से बाहर ना निकालनी पड़े, उसी के अंदर ही अंदर हम लोग फ्यूल भर दे। जब बंदा कोई खरीदेगा कार तभी शोरूम के बाहर जाएगी, भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा सही है। फिलहाल अभी इन्होंने मेरे को बोला है कि जल्दी से आप अपने शोरूम का रास्ता बताओ, हम साथ साथ चलते हैं। और ये वाली जो आप कार देख पा रहे हो, ये स्पेशल इस बंदे की कार है क्योंकि ये शायद से मेन सिक्योरिटी गार्ड है, बट ये कार मैं भी यूज़ करने वाला हूँ,
भाई सही में बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल की डिलीवरी कराई है भाई इन्होंने कार की। अभी जल्दी से लेकर चलते हैं इन्हें अपने शोरूम पे। आ जाओ भाई, बाइक स्टार्ट हो गई है। मेरे हिसाब से ना गाइस इन सभी लोगों के पास बढ़िया बढ़िया गन है। फिलहाल अभी सभी लोग अपने ट्रक में जाकर बैठ चुके हैं। ट्रक एकदम मस्त स्टार्ट हो गया है। सर एक काम करना, अपनी गाड़ी को यहीं से घुमा के लाना, पता नहीं ट्रक घूम पाएगा या फिर नहीं। ऑल राइट, तो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक वहां से तो बाहर निकाल के ला चुका हूँ, क्योंकि वो अपना ट्रक वगैरह मोड़ रहे हैं और उस ट्रक को मोड़ने में ना बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। इसको देखो भाई, अपनी फरारी फुल स्पीड में भगाता हुआ ले आया है। वैसे यार कितनी ज्यादा तगड़ी लग रही है ना, एकदम पुलिस वालों की फरारी इन्होंने बना रखी है। और पीछे से वो बड़ा वाला ट्रक भी आ गया है। यार ये ट्रक ना बहुत ज्यादा फास्ट है, ले आओ भाई जल्दी से। वैसे काश सारे के सारे ट्रक्स अपने हो जाएं, कितना ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। ओके गाइस, तो फाइनली इन लोगों को रास्ता दिखाता हुआ मैं अपने शोरूम पे पहुंच चुका हूं। और भाई कसम से ये लोग इतनी ज्यादा स्लो ड्राइव कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा टाइम लग गया इतनी पास आने में भी। खैर इनकी गलती नहीं है, इतने ज्यादा बड़े बड़े ट्रक्स हैं तो उनको फास्ट ड्राइव करना भी बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है। फटाफट से गाइस अपनी गाड़ी को हम लोग यहाँ से राइट मोड़ते हैं, आराम से अंदर लाना भाई, कोई भी गाड़ी ठुकनी नहीं चाहिए। भाई साहब ये ऑयल वाले टैंक को देख कर ना मुझे सच्ची में बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है भाई। इतने दो दो बड़े ट्रक भेज दिए भाई, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑयल भरा हुआ है पूरा गाड़ियों के लिए। लेट्स गो, यहीं पे पार्क कर दो, यही है अपना फरारी वाला शोरूम। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल लमार भी आ चुका है। फटाफट से हम लोग अपनी बाइक को यहीं पर खड़े करते हैं और इसने भी शायद से अपने शोरूम की सारी कार्स को ले जाके पीछे ट्रक्स में लोड करवा दिया है। अब फटाफट से एक काम करते हैं, जितनी भी फरारी वाली कार्स आई है ना, ये वाली तो देखो मैंने देख ली थी, ये भी काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन इस बड़े वाले ट्रक में कौन कौन सी कार्स है ये मुझे अभी के अभी देखनी है। तो फटाफट से इस ट्रक को आगे करवा के इसकी सारी की सारी कार्स बाहर निकालते हैं, फिर जो अपनी पुरानी वाली कार्स है वो अपने पुराने वाले शोरूम में लेकर हम लोग जाएंगे और वहां ले जाके बेचेंगे। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल इन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने अपने ट्रक यहाँ पे लाकर एकदम सही से पार्क कर दिए हैं। और इस टाइम ना ये लोग प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरीके से इन्हें यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी सेट करनी है, कहाँ कहाँ पे कौन सा गार्ड्स लगने वाला है, कहाँ पे कौन से सीसीटीवी कैमरास लगेंगे। फिलहाल वो सब हमारा काम नहीं है, हम लोग जल्दी से चलते हैं, इस वाले ट्रक को पीछे से ओपन करते हैं और देखते हैं आखिरकार इसके अंदर कौन कौन सी फरारी ये लोग लेकर आए हैं, क्योंकि फरारी वालों ने बोला कि एकदम टॉप मॉडल्स वो लोग हमारे पास भेजने वाले हैं। तो भाई जल्दी से इसे ओपन करके सारी की सारी गाड़ियाँ हम लोग यहाँ से बाहर निकालते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल लम्मार और मैंने मिलकर सारी की सारी फरारी कार्स को इस ट्रेलर में से निकाल के यहाँ पे बाहर खड़ा कर दिया है। और एक बार ही आप लोग ध्यान से देखो कि ये इतनी सारी महंगी महंगी कार्स एक ही फ्रेम में कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। फटाफट से ना गाइस इसके साथ एक सेल्फी खींच लेते हैं मस्त वाली। ओके कैमरा ऑन हो चुका है और अभी मैं पहले ना आपको एक एक कार दिखा देता हूँ। तो ये जो आप ग्रीन वाली देख पा रहे हो ये शायद से फरारी 458 है और ये इसी का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें ऊपर रूफ नहीं है, ओपन है वाली कार, मींस कन्वर्टिबल है। सेम ऐसी ये वाली कार है और ये है एलए फरारी और ये है फरारी 812। और जो सबसे पीछे आप देख पा रहे हो ना वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। फिलहाल अभी ना मुझे पांचों मतलब छह की छह कार का एक ही साथ में मस्त एक इमेज चाहिए। लेट्स गो। लास्ट वाली फोटो अच्छी नहीं आई, दूसरी खींचते हैं, इसमें एकदम मस्त तरीके से फ्रेम सेट करेंगे। हाँ अभी ठीक है। ओके तो अभी ये तो हो गया, अब फटाफट से ना गाइस एक मस्त वाली सेल्फी भी ले लेते हैं इन कार्स के साथ में। ओके तो अभी मैंने अपना कैमरा स्विच कर लिया है और काश ये सारी की सारी गाड़ियां एक ही फ्रेम में आ जाए। जस्ट वेट, मुझे थोड़ा सा अपना हाथ आगे करना है और लेट्स गो। सारी गाड़ियां दिख रही है, मुझे कहाँ पे देखना चाहिए, नीचे देखूँ क्या कि लेफ्ट में देखूँ राइट में? सारे पोज एकदम अजीब लग रहे हैं, एकदम फ्रंट में देखते हैं फुल एकदम डेंजरस तरीके से। लेट्स गो, ये काफी सही है, फटाफट से फोटो खींच लेते हैं। ओके एकदम मस्त फोटो आ चुकी है, सारी गाड़ियां दिख रही हैं, फटाफट से यार इस फोटो को सेव कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो भी फिलहाल मैंने फोटो भी सेव कर लिया, फटाफट से फोन को जेब में डालते हैं क्योंकि अभी मैं ये सबसे पीछे वाली फरारी ड्राइव करने जा रहा हूँ। बट वेट, उससे पहले ना मैं आपको ये सारी की सारी कार दिखा देता हूँ। ये वाली आप लोग देखो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, उसी की लेफ्ट साइड में ये वाली है। इस कार का ना कलर प्लस इंटीरियर मुझे बहुत तगड़ा लग रहा है भाई, अंदर एकदम मस्त रेड एंड व्हाइट सीट लगी हुई है। बाकी ये है अपनी एलए फरारी जो कि हमने काफी टाइम पहले चलाई थी, आपने देखा होगा, बट वो कार हमारी शायद से चोरी हो गई थी। बट हाँ जो भी है, ये वाली कार ना मैंने आज तक देखी है ना आज तक चलाई है। तो फटाफट से भी चल के इसे ड्राइव करते हैं। देखने में इसकी जो लुक है ना बहुत ज्यादा डेंजरस ही है, दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि ब्लैक एंड येलो कलर की है, पर पास आके ऐसा लग रहा है ब्लू। भाई इसमें एक अलग ही ब्लू शेड आ रहा है भाई, ये देखो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, वो वाला एरिया ब्लैक हो गया और ये वाला ब्लू हो गया,
और जब मैं इधर जा रहा हूँ तो ये एरिया ब्लैक हो जा रहा है भाई, काफी नेक्स्ट लेवल पेंट हो रखा है इस कार पे। तो अभी ना फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठते हैं, इसको ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो, गाड़ी में मैं आ चुका हूँ। भाई साहब क्या साउंड है इस कार का। वेट, मैं दोबारा इसका इंजन ऑफ करके स्टार्ट करने वाला हूँ। भाई नहीं यार, कसम से बहुत ही नेक्स्ट लेवल साउंड आया। देखो ध्यान से सुनना, ये मैं बैठा अंदर और भाई वेट, इस टाइप का साउंड मैंने अभी तक किसी भी कार से नहीं सुना है। बाकी इसका स्पीड टेस्ट मैं नहीं करूँगा क्योंकि कार सच्ची में बहुत ज़्यादा महंगी होगी। बाय चांस अगर इसका एक्सीडेंट हो जाता है ना, वैसे अपने पास पैसे तो पड़े हुए हैं इस टाइम कि हम लोग इस कार की भरपाई कर देंगे, बट फिर भी यार ये कार को चलाने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एकदम न्यू है, बाकी देखने में पूरी मॉन्स्टर सी लग रही है। ऐसे लग रहा है हल्की सी रेस दूंगा तो ये पूरी हवा से बात करने लग जाएगी। बाकी छोड़ो ना, एकदम फुल रेस में इसे भगाने वाला, रुक जाओ। लेट्स गो, साइड से निकाल दो। ओ नहीं भाई, भाई ब्रेक। ओ भाई गाइस, इसका स्पॉइलर देखो, ये अंदर चला गया बट जैसे अपनी कार की स्पीड बढ़ती है ना तो ये अलग से निकल के बाहर आता है। ध्यान से देखना, जैसे अभी कार की स्पीड कम है तो स्पॉइलर अपना अंदर ही है। अब यहाँ पर थोड़ा सीधा रास्ता आया, मैं कार में स्पीड बढ़ाऊंगा और वो देखो भाई FXX जिस पे लिखा हुआ है, कैसे निकल कर आ रहा है। और जैसे ही मैं ब्रेक मारूंगा वो अलग से देखना ऊपर ही उठ जाएगा। 3, 2, 1, ये मारी ब्रेक, ये उठा और वापस अंदर चला गया। भाई ये कार सच्ची में बहुत ज़्यादा तगड़ी है। एक बार इसका इंटीरियर देखते हैं। वो तेरी भाई, अंदर भी एकदम मस्त वाला स्पीडोमीटर लगा हुआ है। नीचे फरारी की भाई स्टीयरिंग है क्या है ये भाई। जो भी है ये गाड़ी ने सस्ते रास्ते पे चलने लायक नहीं है, पहले किसी ढंग के एरिया पे लेके चलते हैं फिर इस गाड़ी को चलाने वाले हैं। बाकी हाँ वेट, मैं जा कर रहा हूँ। हाँ तो गाइस देखो, मैं ना ये कह रहा था कि अभी ना बेनी और लमार अपनी पुरानी वाली गाड़ियां लेके पुराने वाले शोरूम के लिए निकल चुके हैं, और लमार के कुछ फ्रेंड और बेनी तो भाई बड़े बड़े ट्रक भर के सारी की सारी गाड़ियां वहां पर पहुंचाने भी लग गए हैं। फिलहाल अभी लमार का भी ट्रक यहां से निकला है तो फटाफट हम लोग भी उसके साथ चलते हैं। उसके लिए मुझे अपनी गाड़ी को यहां से एकदम मस्त यू टर्न मारना होगा। पूरी गाड़ी ना भाई कसम से बहुत ही ज्यादा फिसल रही है इन रोडों पे। ऐसा लग रहा है जैसे सारी सड़कें गीली हो रखी है, क्या तो इसके टायर ना सच्ची में कुछ ज्यादा ही स्लाइड है। फिलहाल अभी ना मैं इस गाड़ी को एकदम फुल स्पीड में भगाने वाला हूँ, बट यार मुझे आसपास ना कहीं पर भी लमार का ट्रक नजर नहीं आ रहा है। जब मैं आपको गाड़ी दिखा रहा था, जब फोटोज वगैरह खींच रहा था ना, तभी वो अपना ट्रक लेकर निकला था। शायद वो कुछ ज्यादा ही आगे चला गया या फिर वो किसी और रास्ते से अपनी गाड़ी लेकर गया। बट वेट वेट वेट, मुझे वो सामने नजर आ गया, वो भगा रहा भाई अपना ट्रक फुल स्पीड में। लेट्स गो। तो ये एकदम पूरा हाईवे वाले रास्ते से जाने वाला है जो कि बहुत ही ज्यादा लॉन्ग कट है। लमार चिढ़ रहा होगा, कह रहा होगा मेरे से गाड़ी डिलीवर करवा रहा है और खुद एक सुपर कार में घूम रहा है। खैर छोड़ो, उसको हाईवे से जाने देते हैं। हम लोग अपनी कार को ना एकदम मस्त स्ट्रीट पे भगाने वाले हैं, वो भी एकदम मैक्स स्पीड पे। 3, 2, 1, लेट्स गो। गाड़ी में स्पीड बढ़ा दी। ओ वेट वेट वेट, यहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, रुक जाओ, ज्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर कुछ। भाई साहब कुछ भी कहो, लेकिन इस गाड़ी को भगाने का जो मजा है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। अब जैसा कि मैंने बोला था, इसके टायर्स ना बहुत ज्यादा स्लाइडी है, तो उसका एक एडवांटेज होता है कि कभी भी अगर हमें गाड़ी टर्न करनी है ना तो कम से कम स्पीड में प्यारी वाली ड्रिफ्ट लग जाती है। फिलहाल आगे का रोड एकदम खाली दिख रहा है, तो फटाफट से इस गाड़ी की ना मैक्स स्पीड टच कराने की कोशिश करते हैं। 280 भाई साहब, ये सामने गाड़ी किसके थी? अबे भाई अपनी गाड़ी बहुत बुरी तरह ठुक चुकी है यार यहाँ पे। गाइस एक बारी ना आप लोग इधर देखो कि अपनी ये गाड़ी का क्या हाल हो चुका है। भाई ये इतनी बुरी तरह ठुकी है ना, मेरे हिसाब से पूरी की पूरी आगे से टूट गई होगी। खैर ज्यादा नहीं टूटी है पर बहुत सारे डेंट आ गए हैं। और तेरे को ज्यादा टेंशन हो रही है, गाड़ी मेरी है टेंशन इसे हो रही है। तो वीडियो बना ले पहले, तो वो बंदा कहाँ है जिसमें मेरी ये गाड़ी आकर ठुकी है? वो बंदा भी ये मेरे से बहुत बुरी तरह पिटने वाला है। इस गाड़ी से ना बाहर निकाल के मैं इसे मारूंगा। भाई ग्रीन लाइट पे गाड़ी रोक के खड़ा हुआ था ये, वैसे गलती मेरी थी, अपनी गाड़ी भी बहुत ज्यादा स्पीड में थी। बाहर निकल तुम यहाँ से। वेट एक सेकेंड, ये तो माइकल की वाइफ अमेंडा है। यार ये हमने क्या कर दिया, जिस कार में अपनी कार लाके ठोकी है हमने, उस कार में माइकल की वाइफ अमेंडा ही थी। फिलहाल अभी ना अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करके ना यहाँ पे बुलाना चाहिए। फटाफट से 911 डायल करते हैं और एम्बुलेंस को जल्दी से जल्दी अभी मैं यहाँ पर बुलाता हूँ, अदरवाइज पता नहीं यार कहीं ये मरना चाहे। ओके हमने डायल कर दिया है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर पैरामेडिक्स भेजो भाई, जल्दी से जल्दी, गाड़ी जाए भाड़ में, इस टाइम पे इसे बचाना ज्यादा जरूरी है। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर पैरामेडिक्स तो आ चुके हैं, बट मैंने ना अभी एम्बुलेंस को कैंसिल कर दिया है क्योंकि अमेंडा को होश आ चुका है, ये बस बेहोश हुई थी सर पे चोट लगने की वजह से। लेकिन अभी ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और वो मैं आपको बस सीधा कार में बैठ के ही बताने वाला हूँ, क्योंकि गाइस अभी सीन कुछ ऐसा हुआ है
कि इस टाइम ना अमांडा जो है बहुत ज्यादा तेजी में कॉलेज जा रही थी जिमी के, क्योंकि इसको ट्रेसी का फोन आया कि जिमी के जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं वो उसको कॉलेज में बहुत बुरी तरह पीट रहे हैं और ये उसको ही बचाने जा रही थी, बट बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। पर अभी ना हमें कुछ भी करके जल्दी से जल्दी कॉलेज पहुंचना है और जिमी को बताना बचाना होगा। पता नहीं उसके कौन से कॉलेज फ्रेंड उसे बहुत बुरी तरह पीट रहे हैं, आज उनके ऊपर ही सारा गुस्सा उतारेंगे भाई अपनी गाड़ी टूटने का। चलो ऑलराइट गाइस, तो भी ना फिलहाल मैं अपनी कार को फुल स्पीड में भगाता हुआ सीधा जिमी के कॉलेज पे लेके पहुंचने वाला हूँ। फटाफट से एक काम करते हैं, अपनी गाड़ी को ना यहीं पर साइड में पार्क करते हैं और अभी काम करते हैं, अमांडा को ना यहीं पे कार में बैठे रहने देते हैं। मैं अकेले स्कूल के अंदर चलता हूँ और देखता हूँ कि आखिरकार जिमी को कौन से बच्चे परेशान कर रहे हैं, उसे बहुत बुरी तरह पीट रहे हैं। बाकी लेफ्ट साइड में भी एक बिल्डिंग है बट जहाँ तक मुझे लगता है कि जिमी जिस क्लास में रीड करता है वो वाली बिल्डिंग यहीं पर होनी चाहिए। भाई यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है बट फिर भी वो इस तरह यहाँ पे खड़े होकर टाइम पास कर रहा है, अंदर बच्चों की लड़ाई चल रही है उसको पता ही नहीं है। फटाफट से अंदर चलते हैं। भाई मेरे हिसाब से ना ये छुट्टी का टाइम है, पूरे के पूरे क्लासरूम खाली पड़े हुए हैं, मींस कोई भी स्टूडेंट मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा कॉलेज इस टाइम पे खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ टीचर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये एक बारी हॉल है, यहाँ पर भी मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। सॉरी टीचर्स, मैं खाली पीली आपको डिस्टर्ब करने आ गया। अमांडा को कहीं ट्रेसी ने खाली पीली प्रैंक करने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी थी? एक बारी ना मुझे ऊपर चल के देखना चाहिए क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिर इतने बड़े कॉलेज में जिमी कहाँ पर होगा। बट वेट गाइस, सामने ये जो लड़की बैठी है ना ये शायद से ट्रेसी है। हेलो ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल ट्रेसी से बात हो चुकी है और ये कह रही है कि जिमी के फ्रेंड्स ना उसे बॉयज वॉशरूम में ले जाके बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। अब इनका बुरा हाल होने वाला है। बेसबॉल बैट मैंने निकाल दिया, जल्दी से भी मेरे को ढूंढना होगा कि आखिरकार बॉयज वॉशरूम है कहाँ पे। लेफ्ट साइड से तो मैं आया था और सामने ही है बॉयज वॉशरूम। जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्यों वो लोग उसे मार रहे हैं। तो गाइस अभी ना मैं बॉयज वॉशरूम में आ तो गया हूं बट मुझे यहां पर कोई भी बंदा नजर नहीं आ रहा है। अंदर तो कोई नहीं है ना, वेट यहां तो कोई नहीं है बट मुझे आगे से किसी के चिल्लाने का आवाज आ रहा है बहुत तेज। ये तो गर्ल्स वॉशरूम है, एक बार अंदर चल के देखो क्या। हेलो, ओ भाई साहब, ये लोग यहाँ पे बैठ के जिमी को बहुत बुरी तरह मार रहे हैं लेकिन इनको मालूम नहीं है कि अभी इनके साथ क्या होने वाला। तीरी ऐसे की तैसी हट यहाँ से, अब ये लोग बहुत बुरी तरह पिटने वाले। ओ भाई उसने मेरे को देख लिया। तीरी पहले तुम लोग भाई रुक जाओ, अभी ये लोग पहले उस पे भारी पड़ रहे थे, मेरे पे भारी पड़ चुके हैं। रुक जाओ, पहले तो बेटा उसे कोई टच नहीं करेगा, सबके सब पीछे हो जाओ, रुक जाओ। तेरी ऐसे की तैसी इसके पड़ेगा, रख के बेसबॉल बैट, ये नीले वाले ने मेरे को मारा था ना, तू निकल यहाँ से। एक ही मुंह पे पड़ा भैंस की, ये गंजा पिटने वाला बहुत गंदे वाला, पीछे हो जाओ भाई। वो लोग अभी भी उसे नहीं छोड़ रहे हैं, अंदर ले जा के पीट रहे हैं, वो भी बहुत बुरे वाला। अभी रुक जा, तू हेडफोन लगा के, वेट वेट वेट, तेरी भैंस की। रुक जा, मेरे को ना गाइस एक बारी दूसरा बैट निकालना होगा, मेरे पास गन्स भी नहीं है वरना मैं इनको ऐसे ही डरा देता। फिलहाल अभी मैंने ये गोल्फ क्लब वाली स्टिक निकाल ली है और अभी इनके मुंह ही मुंह पे पड़ने वाले। तू नहीं गिरेगा है, उठेगा बार बार। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैंने इस बंदे के तो रख के एकदम बचा दिया है बट वो लोग ना जिमी को पीटते हुए यहाँ से बाहर लेकर चले गए हैं और वहां पे ले जाके पीट रहे हैं। रुक जाओ, सबके सब यहीं पे बैठे हुए मुझे मारने के लिए। भाई पता नहीं वो लोग किस रास्ते थे, जहां तक मुझे पता है वो लोग ने उसे मारने के लिए ग्राउंड की साइड पे लेकर गए हैं। भाई सब सारे के सारे टीचर्स भी डर के उठ गए कि आखिरकार स्कूल में ये सब क्या चल रहा है। बट ठीक है, इस टाइम तो भाई इन लोगों को कुछ पता नहीं चला, पर अभी ये लोग इस टाइम, ओ भाई ये लोग उसे यहाँ पे बाहर लेकर आ चुके हैं पीटने के लिए। ओ भाई सारे के सारे मेरे पास आ रहे हैं, रुक जाओ उसको मारोगे तुम्हारी ऐसे की तैसे, निकल यहाँ से। ओ नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, सब पीटोगे बेटा अभी। गाइस ये जो कॉलेज गैंग है ना सच्ची में बहुत ज्यादा ही बढ़िया है, सारे के सारे बंदे मिल गए हमें यहाँ पे पीटने के लिए आ चुके हैं। उधर जिमी को ले जाके भाई पटक पटक पीट, रुक जाते ऐसे की तैसे, अब मत मारियो उधर साइड हो, एक सेकंड यार, जिमी को यहाँ से मेरे हिसाब से ना अभी भाग जाना चाहिए वरना ये लोग तो भाई उसे उठने ही नहीं दे रहे हैं। अभी एक और रख के इनको मैं दे देता हूँ। भाई 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 रुक जाओ, उसको छोड़ ही नहीं रहे भाई। अभी ना मैंने कम से कम 10 से 15 गुंडों को यहाँ पे मार के गिरा दिया है। बाकी जिमी यहाँ से भागने की कोशिश तो कर रहा है बट ये लोग भैया उसे जाने ही नहीं दे रहे। लेट्स गो भाई, सबको मार दे, दोबारा मत उठियो, निकल यहाँ से, भाग जा भाई, तू अपना भाग जा यहाँ से, मैं भी आ रहा हूँ तेरे साथ साथ। तो चलो भाई अभी फिलहाल जिमी यहाँ से तो भाग के जा चुका है, मुझे भी फटाफट से चलना होगा। पे जाना यहाँ से बाबर, इसके से की तरह इसको सही में मार दूँ क्या? मैं सोच रहा हूँ यार स्टूडेंट वगैरह इनके ऊपर मेरे को ये हथियार नहीं चलाना चाहिए बट अभी ये पिटने वाला है। उठ जा, तू दोबारा उठेगा, निकल यहाँ से, अभी गया, अभी दोबारा नहीं उठने वाला। बाकी यहाँ जिमी आगे को भाग के गया था, मेरी कार पीछे खड़ी हुई है। बट हाँ एक काम करते हैं, अमांडा को भी इस साइड बुलाते हैं और दूसरी कार लेकर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। जिमी की आवाज़ तो आ रही है मुझे यहाँ से बट कोई भी
कहां पर गया वो, पीछे ग्राउंड में तो नहीं चला गया? वेट यार, भागता हुआ यहीं पर आया था, पर अभी जिमी गायब हो चुका है। मुझे लेफ्ट से किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है, रुक जाओ। पक्का भाई उन लोगों ने, मुझे लग रहा है कि दोबारा से जिमी को पकड़ लिया होगा। यहाँ पर भी नहीं है, कहाँ पर चला गया? ओ भाई साहब, ये इसको नीचे ले जाके पीट रहे, तुम्हारी ऐसे कैसे यहाँ पर? अबे वेट, मैं गिर चुका हूँ, ये सारे के सारे वो देखो नीचे ले जाके उसे मार रहे हैं। और अभी ये पिटने वाला, ये कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है यार, ये तो बाहर के गुंडे हैं। अभी तक जिन बंदों से मैं लड़ रहा था वो कॉलेज के स्टूडेंट थे, बट ये जो लोग हैं ये तो कोई गैंग लग रही है बहुत बड़ी। रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई, अरे वेट वेट वेट, रुक जाओ, तो कोई बेसबॉल बैट निकालना होगा। अभी इन सबको ना एक ही बार में मैं बहुत बुरा मारने वाला हूँ भाई, ये बहुत डेंजरस कॉलेज गैंग है। पर आखिरकार ऐसा किया क्या है जिमी ने जो उसे मार रहे हैं? भाई ये टोपी वाला बंदा तो फुल एकदम चाकू लेकर आया है, मुझे पहले से मारना होगा वरना ये बाद में मेरे को मारेगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेट्स गो, निकल तू यहाँ से। घुस घुस के मुक्के मार रहे हैं, जिमी को तो कोई नहीं मार रहा ना। अबे नहीं, रुक जाओ भाई, वो उसके मुक्के मुक्के बजा रहा है। वेट पे तेरी, निकल यहाँ से, अब मत मारियो। सो गाइस, अभी ना सबको मार दिया है मैंने, बस एक यही बंदा है जो कि जिमी को पीटने में लगा हुआ, बट ऊपर से और आ गया। तू निकल यहाँ से, अब मत मार दियो, ठीक है ना? बहुत देर से देख रहा हूँ। हाँ तो यहाँ पर एक बंदा हो रहा था, वो भी चला गया। चल भाई जिमी, मेरे हिसाब से रास्ता क्लियर है, अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल अमांडा एंड ट्रेसी यहाँ पर एक बढ़िया सी कार लेकर आ गए हैं, जिस कार में बैठकर हम लोग यहाँ से भागने वाले हैं। फिलहाल इस टाइम ना चारों ही लोग की हालत सच्ची में बहुत ज्यादा खराब है। जिमी भाई फटाफट से आ, जल्दी से गाड़ी में बैठ, अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं सीधा हॉस्पिटल, ताकि वहाँ पर जिमी का थोड़ा बहुत भाई ट्रीटमेंट कराया जा सके। अमांडा के भी चोट लगी, हमारे भी चोट लगी है, उस टाइम हमें एक डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फटाफट से भी अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं। क्या कार है भाई, इतनी ज़्यादा स्लिप क्यों हो रही है भाई? गाइस देखो, अभी ना फिलहाल मैं तो अपनी कार लेकर यहाँ से सीधा हॉस्पिटल ही जा रहा था, बट शायद से माइकल की फैमिली अभी भी माइकल से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि वो कह रही है कि बस उन्हें घर पे ही ड्रॉप कर दो और कुछ नहीं चाहिए। जितनी हेल्प करती उसके लिए थैंक यू सो मच। मतलब शायद से अभी भी ये लोग इम्प्रेस नहीं हुए हैं और वापस नहीं आना चाहते हैं माइकल के पास। बाकी ठीक है, मैं इनको इनके घर पे लेकर आ चुका हूँ। पता नहीं कौन सी ये जगह है जहाँ पर ये लोग आकर रहते हैं, शायद से इस एरिया का नाम मिरर पार्क है। अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी करते हैं और बाय बाय बोलते हैं सबको। ओके, तो सब लोग गाड़ी से उतर चुके हैं, फटाफट से अपनी कार को हम लोग यहाँ से बैक करते हैं और वापस से चलते हैं सीधा अपने घर पे। नहीं, मेरे को वापस से हाई स्कूल जाना होगा, क्योंकि अपनी फरारी वहीं पर मैंने बाहर खड़ी कर रखी है। यार वैसे ना बस मुझे एक चीज़ पूछनी थी जिमी से, कि आखिरकार उसने ऐसा क्या किया था जिस वजह से इतने सारे कॉलेज के बदमाश उसे बहुत बुरी तरह मार रहे थे। और अभी ना मुझे जिमी का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा, कॉज हो सकता है वो लोग उसे दोबारा मारें और हो सकता है कि वो लोग मुझे भी ढूंढ के मारें, क्योंकि उनके हाथ से ज़्यादा बंदों को तो मैंने ही वहाँ पर पीटा था। वो तो सही है कि सही टाइम पर हम लोग वहाँ से भाग गए, अमांडा कार लेकर आ गई, वरना तो शायद से वो लोग और गुंडे बुला लेते वहाँ पे। बट ठीक है, जो भी है सही है। वैसे पता है मुझे, अगर पता होता ना कि यहाँ पर इतना ज़्यादा खतरनाक सीन होगा, इतने सारे गुंडे होंगे, तो मैं पहले फ्रैंकलिन को कॉल कर देता, बट या फिर अपने पास एक गन भी होती तब भी काम हो जाता। गन से पूरा स्कूल ही खाली करवा देते, मीन्स गोली नहीं चलाते, बस डरा के ही खाली करवा देते। पगला गए क्या भाई पुलिस वाले, क्या हो गया? हेलो, अगर अभी मैंने ठोकी होती, वैसे मानना पड़ेगा भाई कार बहुत ज़्यादा मजबूत है, पुलिस वाले की कार पूरी पिचक गई और इसमें पता भी नहीं चल। नहीं नहीं भाई, आगे का पूरा हिल गया पूरा एरिया। ठीक है, बाकी वापस चलते हैं हाई स्कूल पे अपनी कार लेने के लिए पहले। ओके गाइस, तो भी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके वापस से जिमी के हाई स्कूल में पहुंच चुका हूं। और वेट एक सेकेंड भाई, ये बुलडोजर कहां लेके जा रहा है? भाई ये पक्का अभी भी गुंडे यहां पर है और ये मेरी फरारी तोड़ने के लिए जा रहा है। एक मिनट, इसकी भैंस की टांग, तू बाहर निकल गाड़ी से। ओ नहीं, चलो चलो चलो, इसको रोकना होगा मुझे, वरना ये पूरी की पूरी गाड़ी तोड़ डालेगा। बाहर निकल तू, साफ गाड़ी पे तो दुश्मन ही निकालो, जो डंडा निकालो पहले तो उसके इसके मुंह पे ही पड़ेगा। इधर आ, ओ हो बे, वेट एक सेकेंड, रेंच है मेरे हाथ में और इसके मुंह पे ही पड़ने वाला है अभी। मतलब कि यार वहाँ तक दुश्मन ही ठीक थी यार, हल्की फुल्की गाड़ी पहले इनके चक्कर में टूट गई है और अभी ये स्पेशल बुलडोजर लेकर आया था अपनी गाड़ी तोड़ने के लिए। यार अभी ना मुझे यहाँ से निकलना होगा जल्दी से जल्दी, वरना पता चला अगर और गुंडे आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भाई साहब अलग ही सीन चल रहा है यार इन लोगों का, पता नहीं बेमतलब में। यार आज के दिन इस कार का ना कम से कम 2 से 3 बार एक्सीडेंट हो चुका है और कहीं कहीं पर तो ये इतनी बुरी तरह ठुकी थी भाई पूछो मत। बड़ा मानना पड़ेगा ये गाड़ी अभी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है। फिलहाल काफ़ी सारे डेंट्स आ गए हैं और मैं इसको लेकर आ गया हूँ अभी बैनी के गैराज पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता अपना और नुकसान हो। ये जो थोड़ी बहुत गाड़ी बची हुई है ना चलने की हालत में,
ये चल के पहले ठीक हो जाए और उसके बाद हम लोग इस गाड़ी को ले जाके वापस अपने फरारी वाले गैराज में खड़ी कर देंगे। लेट्स गो। भी मैं अंदर लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर बेनी तो नहीं है बट बेनी की फ्रेंड है जो कि उसी के साथ काम करती है। अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी कर देते हैं। गाड़ी की मॉडिफिकेशन तो खैर बेनी करेगा, वैसे उसको भी मॉडिफिकेशन आती है। लेट्स गो। वैसे मॉडिफिकेशन नहीं करानी है, मैं अपनी गाड़ी बस रिपेयर करवानी है। पेंट तो होएगा ही गाड़ी पे, बट जो डेंट आया ना एकदम खतरनाक वाले जहाँ से पूरी बेंट हो गई है गाड़ी, भाई वो पूरी ठीक करवानी पड़ेगी। लेट्स गो। अभी मुझे यहाँ से जाना है अपनी बाइक लेके सीधा उस बंदे के पास जिसने हमें वो सारी की सारी गाड़ियाँ फ्री में दी थी जो हम अपने पुराने वाले गैराज पे लेकर गए हैं। मतलब यार उसने कुछ काम बोला था हमें करने के लिए, शायद से आप लोग को याद होगा। बाकी अभी उसके पास चलते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो उसी काम के लिए मेरे को अपने पास दोबारा से बुला रहा है। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगाता हुआ लॉस सैंटोस के सबसे रिचेस्ट पर्सन के पास पहुंचने वाला हूं। और आप लोग भी सोच रहे हो कि भाई रिचेस्ट पर्सन है तो सामने कोई बड़ा सा मैंशन या फिर कोई बड़ी सी बिल्डिंग क्यों नहीं नजर आ रही है, तो ये थोड़ा सा ना अजीब टाइप का रिचेस्ट पर्सन है। बाकी यार एक बार ही आप लोग इधर ध्यान से देखो, इसने कितनी सारी अलग अलग कार्स यहाँ पे मंगवा रखे है। ये तो एक सुपर डायमंड है, बाकी उसके पीछे सारी की सारी मेरे हिसाब से G63 खड़ी हुई है मर्सिडीज की। और गाड़ी की नंबर प्लेट पे, हर गाड़ी की नंबर प्लेट एकदम सेम है और सब पे लिखा हुआ है एस्कोबार। भाई पता नहीं ये लग रहा है गुंडे बटोर के किसी को मारने तो नहीं जा रहा, और इसने हमें भी यहाँ पर शायद उसे पीटने के लिए बुला लिया है, कहीं हमें ही तो मारने का प्लान नहीं बनाकर बैठा ही नहीं आ रहा, ऐसा भी नहीं है। फिलहाल अभी ना जल्दी से इससे मिलने के लिए चलते हैं। तो हाँ मैं यही कह रहा था कि ये ना थोड़ा सा अजीब टाइप का रिचर्स पर्सन है, मतलब कि ना इसका एक ही एम है कि वो जो आप सामने बड़ी सी बिल्डिंग देख पा रहे हो ना, वेट मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ बिनोकुलर से, ये देखो द डायमंड कैसीनो। इसका एक ही सपना है कि इसको इस बिल्डिंग का मालिक बनना है और इस बिल्डिंग के पेंट हाउस पे ही रहना चाहता है। मतलब ये पूरी की पूरी बिल्डिंग खरीदना चाहता है, इसके पास पूरा पैसा है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो बिल्डिंग का ऑनर है ना वो ये बिल्डिंग बेचने के लिए रेडी नहीं है, तो इसने सोच रखा है जब तक इसे बिल्डिंग नहीं मिल जाती तब तक ये उस बिल्डिंग के सामने कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। वेट यार रुक जाओ, मुझे पहले ना थोड़ा सा संभल के जाना होगा, मैं नीचे ना गिर जाऊँ। और आज ये कर क्या रहा है, उसने मुझे यहाँ क्यों मिलने के बुलाया, फटाफट से एक बारी बात करते हैं। ये यहाँ पर कुछ तो पका रहा है भाई बैठ के। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और इसकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि ये कह रहा है कि इसे कुछ भी करके आज की डेट में ही डायमंड कैसीनो का ऑनर बनना है। और उसने मुझे बोला कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फटाफट से जो ऊपर गाड़ियां खड़ी हैं उसमें जाकर बैठो। इसके बॉडीगार्ड्स ने हमारे लिए कुछ स्पेशल वेपन्स का इंतजाम कर रखा है और वो वेपन्स लेकर हमें जाना है और ज्यादा कुछ नहीं करना, बस डायमंड कैसीनो के ऑनर को मार देना है। मतलब कि यार ये जो काम है इसको बहुत ज्यादा आसान लग रहा है, वहां पर इतनी सिक्योरिटी होगी और भी बहुत ज्यादा खतरा होगा। और मैं इस टाइम इसको मना भी नहीं कर सकता क्योंकि यार इससे हमने फ्री में कार्स लिया है। और सेकंड चीज़, अगर मैं इसे मना करूँगा तो आगे चल के ये हमें प्रॉब्लम देगा, बेमतलब की दुश्मनी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल, वैसे यार मेरा ना इस टाइम पे बिल्कुल भी किसी भी गैंग या किसी भी बंदों से फाइट लेने का बिल्कुल मन नहीं है। ऑलरेडी अभी हमने इतनी मुश्किल से डगन बॉस से पीछा छुड़ाया है, बट हाँ हम लोग ड्राइवर को नहीं बचा पाए, पर फिर भी यार हमने उससे पीछा छुड़वा लिया है। मैं काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ये जो मैटर है सिंपली सोल्व हो जाए। कह रहा जितना पैसा होना चाहिए हम पैसा देंगे, बट डायमंड कैसीनो से चाहिए कुछ भी करके। तो इसने मुझे बोला जो सबसे आगे गाड़ी खड़ी है उसमें जाकर बैठो, उसे तुम ड्राइव करोगे, बाकी इसके जो बॉडीगार्ड्स हैं वो सारे पीछे के पीछे आने वाले हैं। बाकी वो जो वाइट वाली कार है उसमें खुद आएगा, बॉडीगार्ड्स तो हैं पर डायमंड कैसीनो की सिक्योरिटी नेक्स्ट लेवल है यार। मुझे भी चल के चुपचाप गाड़ी में बैठ जाना चाहिए, जब ये लोग आकर बैठेंगे तो इनके साथ मैं जाने वाला हूँ। पता नहीं क्या ही होगा आज, बहुत ज़्यादा गलत सीन होने वाला है मेरे हिसाब से। ओके तो अभी फिलहाल सभी बॉडीगार्ड्स अपनी अपनी गाड़ियों में आकर बैठ चुके हैं। बट वेट, मुझे लग रहा था कि ये किसी दूसरी कार में जाने वाला है, पर यार ये तो हमारी कार में हमारे साथ आकर बैठ गया है। खैर ठीक है, जो भी है, अभी फटाफट से गाइस हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ से निकालते हैं और जल्दी से लेकर चलते हैं सीधा डायमंड कैसीनो के लिए। बाकी यार कितना ज़्यादा तगड़ा लग रहा है ना, अपने पीछे इतनी सारी कार्स आने वाली है। तो गाइस देखो, अभी ना फिलहाल मैं जानबूझ के अपनी कार को बहुत ज़्यादा स्लोली ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पर किसी का भी एक्सीडेंट हो, वरना सारे के सारे बॉडीगार्ड्स ऐसा खुंदक में आ जाएंगे, उसको तो फोड़ेंगे ही, साथ के साथ यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फाइट हो जाएगी क्योंकि राइट साइड में ही लॉस्ट गैंग वालों का गैंग बेस है। फिलहाल अभी हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा डायमंड कैसीनो पे। और ये देखो गाइस, ये खड़े सारे के सारे लॉस्ट गैंग के बंदे, सही है, इन्होंने मुझे देखा नहीं वरना खाली पीली डर के भाग जाते। ये कौन सा भी हमें मारने वाले हैं, वैसे भी बेचारे गाड़ियां देख के डर गए होंगे कि आखिरकार ये सब जा कहां रहे हैं। बाकी ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं डायमंड कैसीनो, फटाफट से मेन गेट पे अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं, पार्किंग में नहीं सीधा एंट्री मारेंगे। और
मैंने इसको बोल दिया कि अभी ना हमें उस बंदे को ना बिल्कुल भी मारने की जरूरत नहीं है, हो सकता है ये जो काम है शांति से भी हो जाए, क्या पता कुछ एक्स्ट्रा पैसे या फिर उसके लिए हम कुछ काम कर सकें जिस वजह से वो हमारी बात मान ले। फिलहाल अभी मैं पहुंच चुका हूं डायमंड कैसीनो, अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी कर देते हैं। इन लोगों ने भी भाई गाड़ियां ला ला के लगा दे, तीन ही कार आई, अच्छा शायद पीछे रेड लाइट वगैरह हो गई होगी। लेट्स गो, आप लोग बैठे रहो, मैं खुद ही पता करके आता हूं कि आखिरकार क्या सीन है, जो मेन ऑनर है वो अंदर है भी या फिर नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ कैसीनो घूमने नहीं आए हैं, हम लोग डायरेक्ट उसके ऑफिस में जाएंगे उससे बात करने के लिए। खैर बाहर भी एक बंदा है, मुझे उससे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कैसीनो एंड रिजॉर्ट के अंदर चलता हूँ। यहाँ पर ये जो दोनों हैं इन लोग से बात करता हूँ, ये कुछ हेल्प करेंगे। तो गाइस अभी ना मेरी इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि जो डायमंड कैसीनो के बॉस है, मींस जो ओनर है डायमंड कैसीनो का, उस टाइम अपने ऑफिस में नहीं है, वो अपने घर पे है, वो शाम के 5 बजे यहाँ पे आने वाले हैं। बट मैंने इसे फोन करके, मतलब कि मैंने इसे बोल दिया है कि जल्दी से उसे फोन कर, उसके घर का एड्रेस दे, क्योंकि हम लोग सीधा उसके घर पे जाने वाले हैं अभी ये डील करने के लिए। मैं चल के उसे भी बता देता हूँ कि डायमंड कैसीनो का जो ओनर है वो डायमंड कैसीनो में ही नहीं है, तो अभी हमें उसके घर पे चलना होगा। लोकेशन मैंने इससे मांग लिया है, मुझे थोड़ी देर में सेंड कर देगा, फिलहाल इसको बता देते हैं। तो अभी मैंने इसको बता दिया है कि इस टाइम ओनर ऑफिस में नहीं है, हमें उसे डील करने के लिए उसके घर पे जाना पड़ेगा। बाकी ये लाइन सुनने के बाद ये कह रहा है कि भैया जो करना है वो करो, लेकिन आज के दिन ये जो डायमंड कैसीनो है ना, बस वो इसके नाम होना चाहिए। फिलहाल अभी मैंने उसको बोला था लोकेशन भेजने के लिए, अभी तक इसने नहीं भेजी। क्या कर रहा है, उससे फोन पे बात करने में लगा अभी तक। ओह नाइस, तो अभी इसके बॉस ने हमें परमिशन दे दिया है घर पे आके बात करने की। फिलहाल इसने अपना मोबाइल फोन निकाल के हमें लोकेशन भी सेंड कर दिया है, तो फटाफट से अभी हम लोग पहुंचते हैं इसके बॉस के घर पे। अगर उसने इस बारी डायमंड कैसीनो को बेचने से मना करा तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ वो बंदा बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। वैसे यार वो अपना दोस्त ही है टाओ चैंग, आप लोग जानते होंगे, जो डायमंड कैसीनो का ओनर है, बट यार वो हमेशा ऑफिस में रहता था। फिलहाल जो भी हो, अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ से निकालते हैं और जो उसने लोकेशन दी है जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा उस लोकेशन पे। तो अभी फटाफट से अपनी गाड़ी मैंने यहाँ से बाहर निकाल ली है, फटाफट से इसे लेकर चलते हैं सीधा उस लोकेशन पे जहाँ पे डायमंड कैसीनो के ओनर का घर है। वैसे यार मुझे ना थोड़ा डाउट सा हो रहा है, मतलब यार टाओ चैंग ऐसा बंदा नहीं था इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह रखने वाला, मतलब कि घर पे आने के लिए इतनी ज़्यादा परमिशंस लेनी पड़ रही है। फिलहाल अपनी सारे बॉडीगार्ड्स की कार पीछे आ रही है, अभी थोड़ा तेज स्पीड में चलते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर ऑन और ऑफ डायमंड कैसीनो के घर पे पहुँचने वाले हैं। वैसे यार इसने जो मैप में रास्ता दिया है ना हमें, वो रास्ता जाता है मिस्टर मद्राजो के घर पे। आप लोगों ने शायद से देखा होगा बहुत ज़्यादा बड़ा घर है। क्या टाओ चैंग ने, मींस जो डायमंड कैसीनो का ओनर है, उसने ये वाला घर तो नहीं खरीद लिया भाई? यानी कि डायमंड कैसीनो से सच्ची में बहुत ज़्यादा ही कमाई होती होगी। फिलहाल जो भी है, अभी हम लोग जल्दी से पहुँचते हैं, इसकी डील करवाते हैं। टाओ चैंग अपना दोस्त है, क्या पता पैसों में ही मान जाए, अदरवाइज यार देखो फिर हमें उसे मारना ही पड़ेगा, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेट्स गो, फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ से अंदर लेकर चलते हैं। बाकी अपने पीछे सभी बॉडी गार्ड्स की भी कार आ रही है, ले आओ भाई अंदर ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी तो है। ओ वेट, ये टाओ चैंग ने इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी कब लगा दी भाई? हेलो, लग रहा है डायमंड कैसीनो पे बहुत से बड़े बड़े माफिया की नज़र है, इसलिए उसको भी अभी सिक्योरिटी में रहना पड़ रहा है। रुक जाओ, तुम अपनी गाड़ी पीछे खड़ी करो, हम लोग अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी करके अंदर चलते हैं। अपनी डायरेक्ट उसी से बात हो गया है, तो हमारे पास पूरी परमिशन है, हम डायरेक्टली सीधा घर के अंदर जा सकते हैं। भाई सच्ची में इधर तो कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बट ये सिक्योरिटी गार्ड्स मुझे पता नहीं क्यों थोड़े बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं। अपने पीछे पीछे वो भी आ रहा है, फटाफट से हम लोग अंदर चलते हैं। वेट, यहाँ पर तो डगन बोस और मिस्टर मद्राजो का बेटा है, उस शायद से इन्होंने मुझे पहचाना नहीं है, मैं चल के बैठता हूँ। गाइस अभी ना मेरे साथ एक बहुत तगड़े वाला स्कैम हो चुका है, आप लोगों ने देख ही लिया कि जो मद्राजो का हाउस है, इतना बड़ा हाउस, वो टाओ चैंग का नहीं है, वो डगन बोस का है, और उससे भी बुरी चीज कि डायमंड कैसीनो का ऑनर भी डगन बोस बन चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें स्कैम क्या हुआ है, तो भाई देखो स्कैम ये हुआ है, मैं जिस बंदे के साथ आया था, मैं सोच रहा था कि यार अब ये कैसीनो इसे खरीदने के लिए इसको मारेगा पीटेगा, क्योंकि डगन बॉस नॉर्मली डील नहीं करने वाला, और मैंने सोचा था कि इसी बीच में उसे मार डालूंगा, लेकिन वो जो बंदा है भाई वो उसका पुराना दोस्त निकला, और मैं सोच रहा था आराम से बैठ के पहले मीटिंग होगी फिर मस्त लड़ाई होने वाली, लेकिन ये दोनों यहाँ पे खड़े होकर गप्पे लड़ा रहे हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने भाई अपना पूरा शक्ल वकल हेयर स्टाइल वगैरह चेंज करवा लिया था, बाय चांस अगर ये हमें पहचान लेता ना तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मरवा ही डालता।
फिलहाल अभी सब कुछ ठीक है, बट कुछ ठीक भी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। इनकी बातें ही नहीं खत्म हो रही है। वो डायमंड कैसीनो खरीदने आया था और उद्दे को कैसे गप्पे लड़ा रहा है वहां खड़े होके। गाइस अभी ना हमें डगन बॉस के घर आए, काफी ज्यादा रात हो चुकी है और डगन बॉस ने हमें बोला कि भाई देखो जो भी आए बिना डिनर करे यहाँ से वापस नहीं जाएगा। मतलब यार वो बंदा फुल खातिरदारी कर रहा है हमारी। हाँ तो अभी चल के यार मैं भी डिनर कर लेता हूँ, ये सारे के सारे शायद से चले भी गए डिनर करने। वाओ मैं अपना बाहर घूम रहा हूँ इतनी देर से, इन लोग की बातें ही नहीं खत्म हो रही है भाई। मैं देख रहा हूँ जब से आए, और वो देखो भाई तीनों अपना बैठ के यहाँ पर आराम से डिनर कर रहे हैं। मुझे डर लग रहा है इनके साथ बैठने में, कहीं कोई मुझे पहचान ना ले। गाइस मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने इसके साथ यहाँ पर आकर ना दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी है। भाई ये दोनों मेरे सामने बैठे हुए हैं, अगर एक बंदे ने भी पहचान लिया ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सबके सब फिलहाल खाना खाने में बिजी, और इसको देखो भाई ढोल बजा रहा है यहाँ टेबल पे, अलग ही है यार ये बंदा कसम से। गाइस अभी ना मैंने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया है, और क्या आपको पता है कि आज रात हम लोग डगन बॉस के घर पे ही रुकने वाले हैं। हाँ उसने खुद बोला, मतलब हम लोग तो अपना डिनर करके यहाँ से बस निकलने ही वाले थे थोड़ी देर में, बट उसने कहा कि काफी ज्यादा रात हो चुकी है, रात में जाने से बढ़िया तुम ऊपर रूम से उसमें जाके रेस्ट कर लो, कल सुबह होते अपने घर के लिए निकल लेना। अब देखो मेरा इसके घर पे रुकने का कोई भी मन नहीं है, बट ये तो आपको पता ही है हमारे साथ नहीं जाने वाला, मतलब नेक्स्ट डे ही चलेगा। लेकिन मैं इसके घर पे इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेस्ट मौका है, ये गोल्डन चांस है डगन बॉस को मारने का। एक तरीके से वो अपनी मौत को खुद इनवाइट कर रहा है भाई, उसको मालूम नहीं है कि हम माइकल हैं। तो जब डगन बॉस रात को सो रहा होगा हमें बस उसके रूम में जाना है चुपचाप से और उसको मार के यहाँ से निकल लेना है। ये काम थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, बट मैं लेस्टर को फोन करता हूँ सीधा ताकि वो मेरे तक वेपन्स पहुँचा दे। वैसे वेपन की भी जरूरत नहीं है, मैं नॉर्मली नाइफ के थ्रू उसे मार दूंगा, बट हाँ यहाँ से भागने के लिए ना कोई चीज तो चाहिए होगी, अदरवाइज बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी यार क्या मस्त स्विमिंग पूल बना रखा है इसने। तो फिलहाल अभी ना मैं यहीं पर थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, जब सब लोग सो जाएंगे उसके बाद मेरे को डगन बॉस के रूम तक पहुंचना है और उसे मारना है। लेस्टर को फोन कर देता हूं कि जल्दी से वो कोई ऐसी गाड़ी या कोई हेलीकॉप्टर वगैरह हमारे पास भिजवा दे ताकि हम लोग डगन बॉस को मार के तुरंत यहां से भाग जाएं, वरना अपना भागना यहां से बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके गाइस तो अभी ना मेरी लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर ने डगन बॉस को मारने से ना साफ साफ मना कर दिया है। अब वो किस लिए मैं आपको बताता हूं, मतलब एक तरीके से लेस्टर भी ठीक कह रहा है, अगर हम लोग डगन बॉस को मारने जाते हैं और मान लो बाय चांस उसके रूम में भी बॉडी गार्ड हो जो कि सोए ना हो तो वो डायरेक्टली हमें किल कर सकते हैं, और इस टाइम ना ही अपने पास वेपन है और ना ही हमारे पास शील्ड है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए लेस्टर ने बोला है कि इस टाइम ना डगन बॉस को मारने का रिस्क बिल्कुल मतलब भले ही तुम उसके घर पे क्यों ना हो। उसने हमें बोला है कि हमें ना डगन बॉस को मारने के लिए उसे धीरे धीरे कमज़ोर करना होगा और फिर एक ही बार में किसी बॉम्ब ब्लास्ट के थ्रू हम लोग उसे मारेंगे, क्योंकि उसके पास जाके उसे मारने में बहुत ज़्यादा रिस्क है। उसके पास जो उसके सिक्योरिटी गार्ड है वो बहुत डेंजरस हैं, डगन बॉस मारा तो वो पूरा शहर उड़ा सकते हैं कुछ इस टाइप के, तो इसलिए हमें उसे बहुत अलग तरीके से मारना होगा। बाकी हाँ लेस्टर ने ये बोला है कि हमें ना डगन बॉस के सीक्रेट्स पता करने हैं। अब मैं उसके घर में हूँ और सबसे ज़्यादा सीक्रेट्स उसके उसके घर में ही होंगे, तो भी मुझे कुछ नहीं करना, बस थोड़ी देर सोना है और थोड़ी सुबह होने का इंतजार करते हैं। ओके गाइस तो अभी फिलहाल मैं सो के उठ चुका हूँ, एक बार टाइम देख लेते हैं कितना हो रहा है। हो वाओ करेक्ट 3 बजे हम लोग सो के उठे हैं और मेरे हिसाब से ये एकदम परफेक्ट टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे पूरे के पूरे घर में हर एक बंदा सो रहा होगा, हो सकता है आधे से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स भी सो रहे हो, जो कि सच्ची में बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है हमारे लिए। फिलहाल अभी फ़ोन अपनी जेब में डालते हैं और अपनी स्विच ब्लेड बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि हो सकता है हमें किसी भी बंदे को यहाँ पर मारना पड़ जाए। फिलहाल अभी मैं अपने रूम से बाहर आ चुका हूँ, मुझे ना कोई ऐसा सीक्रेट रूम ढूंढना होगा जहाँ पर डगन बॉस ने अपने सीक्रेट्स छुपा रखे हो। सीधी सी बात है, अगर हमें उसका एक मोबाइल फ़ोन भी मिल जाता है ना तो समझ लो हम लोग उसकी काफ़ी सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। मैं किसी के रूम में आ गया हूँ बट इस रूम में कोई भी नहीं है, इतना बड़ा घर है बट पूरा खाली है। वेट सामने तो बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे बालकनी में, अच्छा हुआ उन्होंने मुझे देखा नहीं। भाई नहीं मैं बिल्कुल गलत था, रात के 3 बजे भी सारे के सारे बॉडीगार्ड्स जागे हुए हैं, घर के बाहर खड़े हुए हैं। भाई 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 मुझे यहाँ से निकलना होगा, दूसरे रूम में चलते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर तो कुछ भी खास इंपॉर्टेंट मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, मुझे ना पहले चल के नीचे वाला एरिया एक्सप्लोर करना चाहिए। हो सकता है इसने इस घर में बेसमेंट भी बनवाई हो और उस बेसमेंट में कोई बंकर वगैरह हो। भाई ये डगन बॉस है, ये कुछ भी कर सकता है। ओ भाई चाकू अंदर, चाकू अंदर। सामने उसका एक बॉडीगार्ड खड़ा हुआ था,
वैसे तो अभी मैं उसके लिए गेस्ट हूँ, बट अगर वो मेरे हाथ में नाइफ देख लेता ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। मुझे ना पहले उसके यहाँ से जाने का वेट करना होगा। वो गया क्या? हाँ गाइस, देखने में तो लग रहा है शायद वो यहाँ से जा चुका है। मुझे भी फटाफट से एक बार ही नीचे चल के देखना चाहिए। वो आगे को जा रहा है, वहां पर तो और भी काफी सारे बॉडी गार्ड्स खड़े हुए हैं। मुझे भी फटाफट ना यहाँ से आगे आगे बढ़ना चाहिए। राइट में भी एक रूम है, आगे कुछ रास्ता जा रहा है। ओ वेट, यहाँ पर भी एक रूम है। अपना चाकू बाहर कर लो क्या, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। पता चला अंदर डगन बॉस ही बैठा हो। मैं हल्का सा एक बारी गेट खोल के देखना चाहता हूँ, कुछ नज़र नहीं आ रहा यार। रुक जाओ, मैं ऐसे डायरेक्ट मेरे को घुसना पड़ेगा इस वाले रूम के अंदर, तभी शायद मुझे कुछ नज़र आने वाला है। ये तो गाइस डगन बॉस का ऑफिस है जहाँ पर मैं आ चुका हूँ। बाहर एक बॉडी गार्ड खड़ा हुआ है, अगर इसने हल्का सा भी घूमा ना तो उसको मैं सीधा नज़र आ जाऊँगा। मैं चुपचाप ना यहाँ पर थोड़ा दीवार वीवार के साइड लग जाता हूँ। यहाँ पर एक पेपर पड़ा हुआ है, एक सेकेंड, इस पेपर पे क्या लिखा है? वेट, ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैंने डगन बॉस का पूरा ऑफिस भी चेक कर लिया है। राइट साइड में तो इसने सिर्फ खाने पीने का सामान रखा हुआ है, ड्रॉर से एक भी खुल नहीं रही, कंप्यूटर इसका ऑन नहीं हो रहा। यहाँ पे राइट साइड में एक इसका सेफ है, इसकी भी चाबी मुझे नहीं मिल रही है। बाकी जो एक यहाँ पर बाहर एक पेपर पड़ा हुआ था ना, इस पेपर पे ज़्यादा कुछ खास नहीं लिखा। इस पे बस ऐसे लिखा है कि कल एक कार्गो प्लेन आना है, और उस कार्गो प्लेन में शायद कुछ तो इंपॉर्टेंट है, कुछ कोड वर्ड लैंग्वेज में उसमें लिखा हुआ था। मुझे एक बार ये लेस्टर से पूछना चाहिए कि आखिरकार ये चीज़ क्या है, क्या पता ये इंपॉर्टेंट हो। इसकी एक मैं फोटो खींच के ना लेस्टर को भेजता हूँ। ओके गाइस, तो अभी मैंने एक फोटो खींच लिया, फटाफट से लेस्टर को भेज देते हैं। तो अभी फिलहाल वो पिक्चर मैंने लेस्टर को सेंड कर दिया है, और अभी ना मुझे बाकी रूम्स को चल के एक बार इधर उधर देखना होगा। बट यार मैं ऐसे कैसे देख पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। मेरे को भी चुपचाप से ना ऊपर ही निकल लेना चाहिए, नाइफ अंदर रख लेता हूँ, क्योंकि अगर अभी तक इनको नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्या हरकतें कर रहा हूँ। लेकिन यार वेट, घर में सीसीटीवी कैमरास तो नहीं है? मेरे ध्यान में ही नहीं आया। वैसे मुझे कहीं ये घर सच्ची में बहुत ज़्यादा ही ओल्ड थीम का है, यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, बस पूरे घर में पेंटिंग ही पेंटिंग भर के लगा रखी है। फिलहाल अभी इमेज मैंने भेज दिया, मैं चल के सोता हूँ। कुछ भी खास नहीं मिला, मैं डगन बॉस के पास आऊँगा तब भी मर के आऊँगा। कैसे कमज़ोर करें हम डगन बॉस को, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। फिलहाल थोड़ी देर और सोते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी ना फिलहाल मैं सोकर उठ चुका हूँ, और सुबह के 9 बज रहे हैं, और मैंने ना लास्ट नाइट सो के एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब कि यार वो जो हमने एक पेपर की फ़ोटो खींच के लेस्टर को भेजी थी ना, उस पेपर में जिस कार्गो प्लेन के बारे में लिखा था कि इसमें कुछ सामान आना है, वो कोई नॉर्मल सामान नहीं है, वो बहुत तगड़े तगड़े बॉम्ब्स हैं, वेपन्स हैं, जो कि डगन बॉस किसी दूसरी कंट्री से अपने लिए मंगा रहा है। और लेस्टर ने हमें बोला है कि अगर ये वेपन्स हमें मिल जाते हैं तो डगन बॉस चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा भाई, वो डर के मारे ही मर जाएगा। तो सीन हुआ क्या, मैंने लेस्टर को फोटो रात में ही भेज दी थी, और उसका थोड़ी देर बाद मैसेज भी आया और काफ़ी सारे कॉल्स भी आए, लेकिन मैं सो रहा था इसलिए सब कुछ मिस हो गया। और अभी ना मुझे चुपचाप इसके घर से भाई निकलना होगा, क्योंकि वो जो प्लेन है उसमें से हमें वो सारा का सारा सामान कुछ भी करके चुराना है। वो सामान आ गया, समझ लो अपने मजे आ जाएंगे। फिलहाल अभी मैं तमीज़ में चल लेता हूँ, मैं कोई चोरी वोरी करने नहीं आया हूँ। वैसे गाइस अभी ना मैं इन लोगों के घर से चुपचाप अकेले बिना किसी को बताए निकल के जा रहा हूँ, तो कहीं इनको मेरे ऊपर शक ना हो जाए। वैसे यार मैं ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, मैं एक गेस्ट बन के आया हूँ, तो ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है जब मेरा मन होगा मैं तब चले जाऊँगा, ठीक है ना। तो भी फटाफट से हम लोग इनमें से कोई गाड़ी उठाते हैं, और जल्दी से भी मुझे जाना होगा लेस्टर के पास। वैसे लेस्टर के पास क्यों जाना है, वहाँ जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा। फटाफट से एक बारी उसे कॉल करता हूँ, पहले इसके घर से मैं बाहर निकल जाता हूँ। अब फटाफट से ना एक बारी लेस्टर को कॉल करते हैं, और उसे पूछते हैं आखिरकार पूरा का पूरा सीन क्या है, मुझे क्या करना है वो सारे वेपन्स तक पहुँचने के लिए। क्योंकि अगर वो वेपन्स एक बारी डगन बॉस के गार्ड्स तक पहुँच गए ना, फिर हमारे पास आना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, और सुबह के टाइम तो सारे रोड भी खाली पड़े हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल लेस्टर ने मुझे ग्रेप सीड की ए स्ट्रिप पे मिलने के लिए बुलाया था, और अभी ना मैं अपनी गाड़ी लेके वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ। भाई साहब बहुत ज़्यादा तेज स्पीड में मैं अपनी गाड़ी भगाता हुआ लाया था, बाकी आप लोग पावर देख रहे हो भाई जी वैगन की। उस बंदे की गाड़ी उठोगा, उसकी गाड़ी आगे से पिचक गई और अपनी गाड़ी पे एक छोटा सा डेंट आया है। फिलहाल अभी मैं अपनी कार लेकर यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। ये एक बहुत तगड़ी पुरानी सी एयरलाइन है, पता नहीं यार लेस्टर हमसे क्या ही करवाने वाला है उन वेपन्स को चोरी करवाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा रिस्की काम करवाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, बट हाँ यार वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं करवा रहा। अगर एक बार ही हम लोग ये काम कर देते हैं ना, तो सीधी सी बात है हमारा डगन बॉस से पीछा छूट जाएगा।
बाकी यार अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ, काफी मस्त मौसम हो रहा है, बट मुझे कहीं पर भी लेस्टर नजर नहीं आ रहा। वेट, इस सामने तो खड़ा हुआ है भाई रेड कलर, ये कैसे सी कार में आए हैं? इतनी ज्यादा अजीब सी लग रही है, बट हाँ छोटी पुरानी मस्त एकदम विंटेज कार लग रही है। अभी जल्दी से जल्दी से बात करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी लेस्टर से बात हो चुकी है। लेस्टर ने मुझे पूरा का पूरा प्लान बता दिया है कि आखिरकार मुझे उन वेपन्स को चुराने के लिए क्या करना है। इसने मुझे एक AK-47 दिया जो कि अपने बहुत ज्यादा काम आने वाली है। फिलहाल वो बंदा क्या उड़ा रहा है? अच्छा ये छोटे वाले होते हैं ना, प्लेन नहीं होते, ये बंदा ऐसे सिंगल बैठ के इसे उड़ा लेता है, पता नहीं क्या कहते हैं। खैर छोड़ो, मेरे को उस पर फोकस नहीं करना। तो हाँ, इसने मुझे AK-47 दिया है और अपना प्लान कुछ ऐसा है कि वो जो कार्गो प्लेन है जिसमें से वो वेपन्स और कुछ तगड़े व्हीकल्स डगन बॉस ने मंगवाए हैं दूसरी कंट्री से, उन सभी को हम लोग आसमान में ही चुराने वाले हैं। मतलब हम लोग एक कार्गो प्लेन के अंदर अपना ये वाला प्लेन डालने वाले हैं। मीन्स हम लोग वेपन्स चुराने के लिए उस कार्गो प्लेन को हवा में ही हाईजैक करने वाले हैं। पता नहीं ये सब कैसे होने वाला है। लेस्टर ने बोला है कि हम लोग उनको धमकी देके उनके कार्गो प्लेन का जो पीछे वाला बोनेट है या फिर रैम्प है उसे ओपन करवाएंगे और अपने प्लेन को ले जाके सीधा उनके प्लेन में घुसेड़ देंगे और फिर उसके बाद कार्गो प्लेन हाईजैक कर लेंगे। सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, पर करने में पता नहीं कैसा ही होने वाला है। फिलहाल लेस्टर ने भी मुझे बोला है कि जो फोर्ट जैनकुडू मिलिट्री बेस का फ्लाइंग जोन है ना, इस एरिया में हमें अपने प्लेन को ना बहुत ज़्यादा कम हाइट पे उड़ाना होगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। उनको पता चल गया ना यहाँ पर कोई फालतू प्लेन आ रहा है तो वो हमें उड़ा डालेंगे, ठीक है? तो इसलिए कम से कम हाइट पे अपना प्लेन उड़ाना है मुझे। तो गाइस देखो, अभी ना मुझे लेस्टर और लेस्टर का फ्रेंड रेडियो के थ्रू पूरा का पूरा गाइड करने वाले हैं कि हम लोग प्लेन सही उड़ा रहे हैं या फिर नहीं। फिलहाल वो जो आप सामने प्लेन देख पा रहे हो ना, वही कार्गो प्लेन में डगन बॉस के लिए वेपन्स जा रहे हैं और हमें उसी कार्गो प्लेन को पकड़ना है। बट अभी उस तक पहुंचना बहुत ज्यादा हार्ड हो सकता है, वो बहुत तेज स्पीड में और बहुत ज्यादा दूर भी है। तो गाइस देखो, अगर अभी मुझे किसी एक चीज पे फोकस करना है ना तो वो है अपने प्लेन का एल्टीट्यूड। अगर ये बढ़ता है ना तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर ये जो आप राइट में देख पा रहे हो ना मिलिट्री बेस, इसके फ्लाइंग जोन में, मैं नीचे कर रहा हूँ, इसके फ्लाई जोन में अगर हम लोग आए तो वो लोग अपने जेट भेज देंगे हमारे प्लेन को फोड़ने के लिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान से हमें यहाँ से निकलना होगा। बाकी एक बार आप लोग वो देखो, वो जा रहा कार्गो प्लेन, वो भी राइट से मुड़ के गया, मुझे जल्दी से जल्दी उस तक पहुंचना होगा। गाइस देखो, अभी तक तो मैं एकदम मस्त तरीके से अपने प्लेन को चला रहा था, बट यहाँ पर आके ना इस प्लेन को उड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। कॉस मुझे अपनी प्लेन की हाइट भी कम रखनी है, पर ये जो एरिया ये पूरा माउंटेन वाला है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है हाइट को एडजस्ट करके चलाना। मैं एक रोड के ऊपर अपना प्लेन चला रहा हूँ, वाह। गाइस एक बारी अगर अपना प्लेन फोर्ट जैनकुडू मिलिट्री बेस के फ्लाई जोन से हट के लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्लाई जोन में चले जाएगा ना, तब हम लोग अपने प्लेन की हाइट और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मीन्स एल्टीट्यूड पे जा सकते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे, और उस कार्गो प्लेन तक पहुँच सकते हैं। अदरवाइज वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा। बाकी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग मिलिट्री बेस से बहुत ज़्यादा दूर आ गए हैं और शायद थोड़ी देर में हम लोग उसके फ्लाइंग जोन से भी बाहर निकलने वाले हैं। लेट्स गो। वो जो कार्गो प्लेन है अब हमारे से ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, हम लोग उसके बहुत ज़्यादा क्लोज पहुँच चुके हैं। बट ना मुझे उसे देख के सच्ची में बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा है। पता नहीं यार, जब मैं उसके पास पहुँचूँगा तो क्या ही होने वाला है। आप लोग एक बार खुद सोचो, नॉर्मली कार से किसी बंदे को चेस करके ठोकना इतना ज़्यादा अजीब लगता है। बाकी अभी हम लोग फोर्ट जैनकुडू मिलिट्री बेस के फ्लाइंग जोन से बाहर आ चुके हैं और अभी हम लोग अपने प्लेन का एल्टीट्यूड बढ़ा के कार्गो प्लेन तक पहुँच सकते हैं। लेट्स गो। बाकी सामने से कुछ उड़ता हुआ जा रहा है, शायद से वही चीज़ है, मुझे उस पर फोकस नहीं करना, अभी मुझे इस कार्गो प्लेन पर फोकस करना है, ठीक है? फुल फोकस अपना है। बाकी अभी लेस्टर को कुछ भी करके इन्हें धमकी वमकी दे के इनके कार्गो प्लेन का बूट या ट्रंक कह लो हमें ये ओपन करवाना है, तभी हम लोग अपने प्लेन को इस कार्गो प्लेन के अंदर ले जा पाएंगे और तभी हमारी अंदर एंट्री होगी और तभी हम लोग इसे हाईजैक कर पाएंगे। फाइनल वार्निंग दे दिया लेस्टर के फ्रेंड ने। बाकी यार ये लोग खोल ही नहीं रहे इसको, कैसे? ओ वेट, उन्होंने ओपन कर दिया उसे। बेटे अब मैं आ रहा हूँ तुम्हारी ऐसी की तैसी करता हूँ, दो मिनट में लेट्स गो। ओ भाई वो लोग आरपीजी मार रहे हैं, आरपीजी नहीं, रुक जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी पूरा प्लेन अंदर ला के डाल दिया है इनके जेट के। फिलहाल अभी मैं यहाँ से बाहर आ चुका हूँ, अपना प्लेन नीचे चला गया। बाकी यार यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं, ये क्या हो रहा है भाई? वेट,
यहाँ पर इतने ज्यादा वेपन्स हैं, इतनी सारी गाड़ियां हैं। बाकी बंदा मुझे मारने आ रहा था, मैंने इसको मार के डाउन कर दिया है। मुझे थोड़ा बहुत ना गाइस और आगे पढ़ना। ओ वेट भाई, बच गया मैं। अगर अब ये गाड़ी मेरे आके ठुक जाती तो मैं यहाँ से नीचे ही चले जाता। बाकी एक बंदा और आया था, मैंने इसको मार के डाउन कर दिया। अपनी गन रिलोड कर लेते हैं। पीछे एक बंदा हो रहा है, इसको भी मार के डाउन कर दिया है। मुझे भी फटाफट यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। इसको भी मारा, बाय 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 बाय। ये जो वेपन्स है सारे के सारे नहीं, अबे रुको यार, मुझे ये वेपन्स ही तो यहाँ से चुराने हैं। ये सारे के सारे नीचे जाके गिर जा रहे हैं। ओह वेट, तू चुप रह दो मिनट भाई साहब। एक ऐसे की तरह से तू पहले मरेगा भाई, दिमाग खराब कर रहा। बाकी एक बंदा मुझे यहाँ से पीछे की तरफ में नजर आ रहा है। मुझे डर पता क्या लग रहा है इस टाइम, अगर ये गाड़ी गलती से फिसली ना तो इसके साथ साथ मैं भी नीचे जा सकता हूँ। और भाई वो गाड़ी फिसल गई। वेट अबे तो दो मिनट चुप रहेगा, रुक जाओ। मुझे ना अभी इसको बहुत बुरी तरह मारना होगा। फटाफट यहाँ से कवर लेते हैं, लेट्स गो। इस बंदे को भी मैंने मार के डाउन कर दिया है। बाकी एक बंदा इधर कहीं तो ले, इसको भी मैंने मार के डाउन कर दिया है। फटाफट अभी मुझे ना यहाँ से गाइस आगे बढ़ना चाहिए। ये गाड़ी भी नीचे चली गई, सारे के सारे वेपन्स यहाँ से नीचे जा चुके हैं। बट वेट, अभी भी यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत सारे वेपन्स और बॉम्ब यहाँ पड़े हुए हैं। फटाफट ऊपर चलते हैं, एक मस्त गाड़ी भी है। मुझे ऊपर चल के देखना होगा कि आखिरकार प्लेन उड़ा कौन रहा है। उस बंदे को मार के हमें प्लेन अपने हिसाब से उस जगह। ओ तेरी भाई साहब, ये पायलट है क्या है? पायलट भी एकदम टेररिस्ट बिठा रखा है, देख रहे हो? प्लेन को कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा है भाई। लेट्स गो। फिलहाल अभी मैं सीट पे आगे बैठ चुका हूँ और अपना जो प्लेन है वो उस जगह से बहुत ज़्यादा दूर आ गया है। यार देखो, मैं ना इसको लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि वहाँ गया तो पुलिस नहीं, उससे पहले मुझे डगन बॉस की सिक्योरिटी पकड़ेगी। बाकी अपना प्लेन पीछे से बिल्कुल भी सही हालत में नहीं लग रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली लैंडिंग में। मुझे इसे जल्दी से लेके ना ट्रैवर के गांव में मीन सैंडी शोरस की एयरलाइन पे ले जाना होगा। अगर एक बार ही मैंने इसे वहां पे लैंड करवा दिया ना तो जितने भी वेपन्स हैं वो मुझे सारे के सारे मिल जाएंगे। मीन्स मैक्सिमम वेपन्स तो नीचे जा जाके पता नहीं कहीं ना कहीं गिर गए हैं। कोई किसी की छत पे गिरा होगा, कोई किसी की छत पे गिर गया होगा। बाकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, डगन बॉस ने या फिर मिलिट्री वालों ने अपने फाइटर जेट हमारे प्लेन को डाउन कराने के लिए भेज दिए हैं। मुझे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना होगा। इस टाइम तो मैं लेस्टर की भी हेल्प नहीं ले सकता, कि लेस्टर कर क्या लेगा भाई। ये कोई जमीन का खेल है ना, सब कुछ आसमान में हो रहा है और यहाँ पर ऐसे नॉर्मली कोई बंदा नहीं आ सकता। बाकी उनका जो जेट है वो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे वो मेरे क्लोज आ रहा है। पीछे मुड़ू क्या भाई, ये देखो इनके दोनों जेट मेरे कार्गो प्लेन के नीचे आ चुके हैं। भाई मुझे जाने तो ज़्यादा दूर नहीं रह गई है वो जगह। अगर इन्होंने एक शॉट भी मारा ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अपना कार्गो प्लेन ऑलरेडी मुझे इनके रेडियो से आवाज़ आई है, टेक डाउन इज ऑथराइज्ड, यानी कि इनको टेक डाउन करने की परमिशन मिल गई है। पीछे लॉस सैंटोस चल रहा था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा घर वगैरह हैं, इसलिए शायद से हमारे प्लेन को ओके ये मुझे शायद से सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं क्या? सरेंडर तो नहीं करने वाला भाई मैं, तेरे को जो करना है कर ले। नहीं नहीं यार नहीं, मैं सरेंडर करूँगा तो भी फंसूँ। यार मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि डगन बॉस को मारने के चक्कर में मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊँगा। फिलहाल अभी ना मुझे गाइस सामने एयरलाइन दिख चुकी है, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार मैं इसके ऊपर अपना प्लेन कैसे लैंड करवाऊँगा। लेट्स गो। मुझे भाई 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 भाई, ओ वेट, इन्होंने अपने प्लेन के ऊपर अटैक कर दिया, बहुत बुरे वाला, पूरे प्लेन में आग लग चुकी है। यार मुझे ना शायद मुझे गाइस अभी ना इस प्लेन से शायद से जंप मारनी होगी। ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, ये बस ऊपर चाहे जा रहा है अपने आप ही। हेलो भाई, वो लोग इसे पूरा का पूरा साइड से फोड़ के यहाँ से जा चुके हैं। इसके राइट वाले विंग के फैन में आग लग गई है। मुझे यहाँ से जंप मारना चाहिए। जो बच्चे कुछ वेपन्स थे वो भी अपने हाथ से गए। भाई इस टाइम जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जान बच जाएगी तो सब एकदम सही हो जाएगा। फटाफट निकलते हैं इस टाइम हमने। ओ बे भाई, थोड़े बहुत और वेपन्स के बॉक्स थे वो भी गए। तो इस टाइम मैंने पैराशूट और उसके ऊपर स्कूबा डाइविंग सूट पहन लिया है, ताकि एक बाय चांस अगर हम पानी में भी गिरते हैं तो भी हम बच जाएं। फिलहाल अभी मैंने कार्गो प्लेन से जंप मार दिया है। यार बहुत बुरी वाली आग उसके अंदर लगी हुई थी, वो पता नहीं कहाँ भाई किसी की छत पे मत जाके गिरी हो। मैं अपना पैराशूट ओपन कर लेता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इस टाइम सच्ची में बहुत ज़्यादा अजीब वाला डर लग रहा है। हो गया भाई, कार्गो प्लेन बहुत ज़्यादा तेज़ी में नीचे जा रहा है वो।
और वो पानी के अंदर जा रहा है, ये भी ठीक है, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा पर अपना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और ये क्या पानी के अंदर, ओ भाई साहब ब्लास्ट हो गया वो, कसम से ये बहुत ज्यादा अजीब लगा मुझे देख के, सारी मेहनत बर्बाद हो गई भाई। मुझे लग रहा था थोड़े बहुत जो वेपन्स बचे हैं वो मुझे मिल जाएंगे, बट वो भी नहीं मिले। फिलहाल अभी अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, शुक्र मनाओ भाई हम बच गए, पता नहीं कैसे सिचुएशन में चले गए थे। इस पारी लेस्टर का प्लान सच्ची में बहुत ज़्यादा बेकार था। सीधी सी बात है यार, किसी प्लेन में ऐसे एंटर करना बिल्कुल सेफ नहीं है यार, प्लेन ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा पूरा। उसकी बैक साइड चलते प्लेन में अगर खोली जाएगी तो मतलब कंट्रोल में रह सकता है, बट उसके वेपन्स गाड़ियाँ सब नीचे चली गई। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे आके लैंड कर चुका हूँ एकदम सेफली, पैराशूट उतार के साइड फेंकते हैं। फिलहाल अभी इधर मैंने पानी में आके थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को वॉश कर लिया है, प्लेन में बैठे बैठे बाल एकदम चिपक से गए थे बट हाँ यार अभी एकदम ठीक लग रहे हैं। वैसे यार मेरा पता भी मन क्या कर रहा है कि वो जो कार को प्लेन है ना वो वहीं राइट साइड में जाके एकदम डीप वाटर में चला गया होगा मुझे मालूम है, पर हाँ वहीं पर गिरा है। अगर मैं वहाँ जाऊँ तो कुछ वेपन्स मिल सकते हैं बट शायद वो अब किसी काम के नहीं होंगे ना, जैसे बॉम्ब वगैरह पानी में डूबने के बाद शायद से ख़राब हो गए होंगे, पता नहीं यार। अभी मुझे वहाँ पर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट्स में जाके जरूर बताना। वो प्लेन में 100% श्योर हूँ मैं अंडर वाटर मिलने वाला है और उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, खजाना भी हो सकता है, पता नहीं यार। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना, चैनल भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ यार मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो पर लाइक एम करते हैं 1.5 मिलियन लाइक का, तो सभी लोग जल्दी से लाइक करने दो, आगे गोल कंप्लीट कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, बाकी यार इंस्टा पे फॉलो कर लेना बहुत हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah.